गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज ऑन योर वीडियोस। स्टिल हियर ओनली 9 पीपल। फ्री की चीज भी लोगों को अच्छी नहीं लगती है। इस ग्रुप में सिर्फ 22 पीपल ऐड किए हुए थे कि आप लोगों की क्लास अच्छे से हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में क्लास अच्छे से नहीं हो पाती है और उसमें से सिर्फ 9 लोगों ने ज्वाइन किया है। अगर आज ये कंप्लीट हुए तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट से नहीं करेंगे। फिर लोगों को अच्छा लगता है, लाख लाख दो दो लाख रुपये दे के ट्रेनिंग लो, ठीक लगता है। नो इशू। हेलो, आवाज आ नहीं रही मेरी? ठीक ठीक ठीक। मैं ये कह रहा हूँ, देखो फ्री की चीज भी लोगों को अच्छी नहीं लगती है ना। सिर्फ 22 लोगों को ऐड किया हुआ इस ग्रुप में, और 22 में भी सिर्फ कितने हैं, ओनली 10 लोग आए हुए हैं। इसलिए कहते हैं ना, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है। सही बात है, फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप कभी भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करके देख लेना। चलो हम शुरू करते हैं, नो इशू। बट ये आज अगर पूरे हुए तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट से नहीं करेंगे फिर। लेकिन 9 लोग तो आए हुए ना सर। सर 9 लोगों के लिए मैं थोड़ी अपना इतना टाइम खराब करूंगा ना। हैं, एक तो मैं आप लोगों को, मैं फ्री के लिए मैं बैठा भी हूँ, और उसमें से भी लोग नहीं ज्वाइन हो रहे हैं, या तो जो आज नहीं ज्वाइन हुए हैं, ठीक है ना, उनको निकाल देना, एग्जिट कर देना उनको। ऐसा कर लेंगे। स्क्रीन दिख रही मेरी आपको? हाँ दिख रही सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, आज हम शुरू करेंगे पैटर्न, ठीक है ना, कि पैटर्न कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से पैटर्न अपने को मोस्टली फोकस करना होता है। देखो पैटर्न बहुत सारे होते हैं मार्केट में, बट अपने को जो मोस्टली अपने को इंट्राडे में जो काम करना होता है, मैं उन सब चीज़ों की बात करेंगे। क्योंकि अपने 4 सेशन है, पिछला सेशन हो गया, सेशन में पैटर्न कर लेंगे, अगले में कैंडल स्टिक कर लेंगे, और नेक्स्ट में हम कुछ ट्रेड के हम एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट जो अपने पास पैटर्न है, देखो 4 सेशन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तो हो नहीं सकता है, पर जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करेंगे। देखो पहला पैटर्न क्या है, पहला पैटर्न हम देखेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल देखो अपने पास 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल किसको कहते हैं हम, जो ऊपर से लोअर रो पकड़ते हुए इस तरीके से, पहले मैं ये पैटर्न में ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा हायर हाई हो गया, ये हमारा हायर हाई, हायर लो हो गया, हायर हाई हायर लो। जो पैटर्न मार्केट में इस तरीके से बनता है, ये होता है हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में अपने को करना क्या होता है, ये अपने को ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है। ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ड्रॉ करना है, अपने को 2 स्विंग हाई पकड़ने हैं, जैसे मैंने ये पकड़ा, ये हमको 2 स्विंग हाई पकड़ने होते हैं, और इस स्विंग हाई को अपने को इस तरीके से एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। सेम चीज अपने पास नीचे से भी होती है। मींस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में होता क्या है कि जब ये पैटर्न शुरू होता है तो स्टार्टिंग में इसकी ये जो प्राइसिंग की जो रेंज है, ये रेंज बड़ी होती है, और ये जैसे जैसे ये प्राइस आगे बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, ये रेंज छोटी होती जाएगी, और फाइनली यहाँ पर क्या है, इस एरिया में आकर के प्राइस बिल्कुल एक छोटी सी रेंज में आ जाता है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखो अप ट्रेंड में भी बन सकता है और डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है, दोनों ट्रेंड में बन सकता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में अपने को ट्रेड कैसे करना है, एंट्री कहाँ पर लेनी है, एग्जिट कहाँ पर करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, अभी वो सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। पहले हम ये नोट कर लेते हैं।
सबसे पहले अपने पास होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। दूसरा क्या होता है अपने पास, दूसरे अपने पास होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। दिस इज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, और एक हमारे पास होगा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इस तरीके से कर सकते हैं, पहले मैं आपको यह समझा देता हूं ये दोनों चीजें। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मोस्टली अपने को देखना कहाँ होता है, देखना होता है अपने को अप ट्रेंड में। अगर अप ट्रेंड में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न अपने पास बन रहा है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी दैट विल ब्रेक अपसाइड, ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, ठीक है। बट ऐसा कोई पक्का नहीं होता कि ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, ये नीचे की तरफ भी ब्रेक कर सकता है। ये सबसे ज्यादा अपने को देखना होता है कि किस तरफ टचेस ज्यादा है, किस तरफ मार्केट ने ज्यादा टच किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाऊंगा, अगर हम यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ऐसा एक लेवल जिस लेवल को मार्केट बार बार जाकर के टेस्ट कर रही है और टेस्ट करने के बाद ब्रेक नहीं कर पा रही है और फाइनली वहां से सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, प्राइस को नीचे लेकर के आ जा रहे हैं, ठीक है। जिस भी लेवल पे, चाहे वो आपको कोई भी, चाहे वो रेंज देख रहे हैं, चाहे वो असेंडिंग देख रहे हैं, डिसेंडिंग देख रहे हैं, किसी भी तरफ भी देख रहे हैं, जहां पर टचेस ज्यादा होते हैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस उस तरफ ब्रेक कर देगा। अब यहां पर भी सेम होता है, यहां पर भी प्राइस की एक रेंज बड़ी होती है, ठीक है, ये प्राइस की रेंज बड़ी होगी और फाइनली क्या होगा, यहां पर जैसे जैसे प्राइस आगे की तरफ निकलता जाएगा रेंज यहां पर छोटी होती जाएगी, मतलब इस एरिया में आकर अनडिसीजन क्रिएट हो जाता है। अनडिसीजन क्या है कि यहां पर बायर्स और सेलर्स इन दोनों के बीच में अनडिसीजन है कि मतलब प्राइस को ऊपर लेके जाना है कि प्राइस को नीचे लेकर के जाना है। अगर ये अप ट्रेंड में है मार्केट, मतलब अगर एक बड़े टाइम फ्रेम में, एक घंटे के चार्ट में, आधे घंटे के चार्ट में, हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ जा रही है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। बट अगर यही चीज अपने को डाउन ट्रेंड में दिख रही है, देखो असेंडिंग अपने को डाउन ट्रेंड में भी दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ अप ट्रेंड में दिखाई देगा, असेंडिंग जब अपने को डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। सेम इसका ऑपोजिट हमारा हो जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो जो ट्रायंगल पैटर्न है वो तीन तरीके के होते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, तीन तरीके के हैं। एक मिनट देखूंगा और भी कोई है क्या, ठीक है। पहले हम इन तीनों के एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अगले पैटर्न्स पे। मैं आपको अब यहां पर चार्ट पे बताऊंगा कि किस तरीके से अपने को यहां पर एंट्री करनी है और एग्जिट करना होता है। अब हम यहां पर देख लें तो ये अपने को एक दिस वन इज आवर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। अब अपने पास ये बन गया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस मेन चीज ये होती है। अब देखो यहां पर जहां पर भी अपने को असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ये ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट कर सकता है और नीचे की तरफ भी ब्रेक डाउन कर सकता है। मींस क्या है, ये अप ट्रेंड में भी अपने को देखने को मिलेगा और डाउन ट्रेंड में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें एंट्री किस तरीके से लेनी है, अपने को यहां पर सबसे पहले चेक कर लेना है कि इस रेंज के अंदर प्रीवियस स्विंग कौन सा बना हुआ है। जैसे हम यहां पर देखें तो एक स्विंग हमारे पास ये है, ठीक है, सेकंड स्विंग हमारे पास ये है, तो ये स्विंग का ब्रेकआउट अपने को देखना होता है। कई बार क्या होगा ना कि ये ट्रेंड लाइन हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा बट ये स्विंग कुछ जो है अभी ऊपर ही होता है, मतलब ये ब्रेकआउट नहीं हुआ होता है, ये स्विंग हमारा ब्रेकआउट नहीं हुआ है बट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है। अगर आपको ये सिनेरियो मिल रहा है जहां पर स्विंग भी ब्रेक हो गया है और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक आउट हो गया है, दोनों चीजों का ब्रेकआउट हो गया है, मींस क्या है, दिस इज मोस्ट कंफर्मेशन पैटर्न। अब ये अपने लिए बहुत अच्छा पैटर्न बन चुका है क्योंकि प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक है और यहां पर क्या है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक है, दोनों चीजें ब्रेक हो गई हैं, मतलब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। अब हम यहां पर एंट्री कहां पर लेंगे, जैसे ये देखो मैं प्राइस चार्ट बड़ा करता हूं,
यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने कहाँ तक का लगाया हाई 36,693 तो यहाँ तक का हाई लगाया है। अब जब कोई भी नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को क्रॉस कर रही होगी, क्योंकि देखो ये हाई लगा करके फिर ये नीचे की तरफ आके इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, तो अब ये हाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता तब तक हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते। अब जैसे ही यहाँ पर ये हाई क्रॉस कर रहा होगा 36,693 है, तो 36,700 मतलब यहाँ पर क्या करना है अपने को, कोई भी एंट्री लेनी है तो उसमें 10 से 15 पॉइंट की स्लिपेज रखनी होती है। मींस जो मैं करता हूँ मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, मैं 10 से 15 पॉइंट की स्लिपेज रखता हूँ। जैसे अगर ये मेरे पास हाई मेरे को दिख रहा है कि 36,690 जो भी है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर जब प्राइस यहाँ पर 36,702 703 705, जब मेरे को स्क्रीन पर ये चीज़ दिख रही होगी कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं अपना ऑर्डर अपना माउस में क्लिक कर दूंगा वहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने के लिए। ठीक है, अब इस केस में देखो जो हमारी एंट्री है वो एंट्री मैंने आपको बता दी। स्टॉप लॉस क्या है, देखो मैं छोटी छोटी मैं बहुत फास्ट बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा क्योंकि एक घंटे का सेशन है, इसमें मेरे को पैटर्न कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत थोड़ा अगर आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी वो ग्रुप में आके बाद में पूछ लेना। यहाँ पर स्टॉप लॉस देखो कहाँ पर रखना है, स्टॉप लॉस अपने को प्रीवियस स्विंग पे रखना होता है, या फिर दो चीजें बता देता हूँ मैं यहाँ पर। ये जैसे हमारी ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेकआउट हो रही है, ये ट्रेंड लाइन हमारी इस तरीके से ब्रेकआउट हो रही है। दो तरीके से हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देखो मैं बहुत छोटा स्टॉप लॉस फॉलो करता हूँ, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, और मैं जो स्टॉप लॉस फॉलो करता हूँ वो क्लोजिंग बेसिस पे करता हूँ। मींस क्या है, जब तक कोई कैंडल आ करके, जैसे मान लो कि हमने स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा है, ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल है और ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर मैंने यहाँ पर एंट्री ली जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर क्रॉस कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ पर क्रॉस करेगी तो मैं यहाँ पर आके एंट्री लूंगा, चाहे वो सिमेट्रिकल है, चाहे वो असेंडिंग है, चाहे वो डिसेंडिंग है, कोई भी है। अब यहाँ पर जब ब्रेकआउट कर रहा है तो मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर रखूंगा, और स्टॉप लॉस किस बेस पर रखूंगा, जब तक कि कोई ऐसा नहीं कि मतलब प्राइस ऊपर से आया और नीचे की तरफ पिक बना करके चले गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, नहीं, जब तक कैंडल बिल्कुल प्रॉपर इसके नीचे आके क्लोज ना कर दे। जब कैंडल इसके नीचे आकर के क्लोज करेगी तो मैं यहाँ से निकलूंगा, मतलब मैं क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस को फॉलो करता हूँ, और बहुत छोटे स्टॉप लॉस को मैं फॉलो करता हूँ, मैं बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ। अगर हिट हो गया दोबारा एंट्री ले लूंगा। देखो यहाँ पर दो तरीके स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर जैसे एक हमारे पास ये सिनेरियो पड़ा हुआ है कि यहाँ पर अपने पास स्विंग है, तो अपने पास स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। देखो स्विंग के नीचे जो स्टॉप लॉस हम रखते हैं दैट इज द बेस्ट स्टॉप लॉस, ठीक है ना, बिलो स्विंग जो है दैट इज द बेस्ट स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस सबसे अच्छा होता है। दूसरा क्या है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, थोड़ा सा रिस्की स्टॉप लॉस रख सकते हो, तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, जिस चाहे वो कोई भी पैटर्न है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, या तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रख लो, या तो इससे पीछे एक कैंडल, इससे पीछे मान लो ये कैंडल है तो हम इसके नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस रख देंगे। ठीक है, तीन तरीके से स्टॉप लॉस आप फॉलो कर सकते हो, तीनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे प्रैक्टिस कर लो जाकर के चार्ट में, जो भी आपको अच्छा लगे तीनों में से कोई भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, बट सबसे अच्छा स्टॉप लॉस जो होगा वो स्टॉप लॉस होगा इस स्विंग के नीचे। अगर इसके आसपास में बिल्कुल नज़दीक में कहीं स्विंग है तो वो बेस्ट स्टॉप लॉस है। अगर स्विंग नहीं है यहाँ पर, समझ लो कि ये स्विंग हमारा ये यहाँ पर है, द स्विंग इज एट दिस प्लेस, तो हमारा क्या है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया। अब इतना बड़े स्टॉप लॉस के लिए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, इतने बड़े स्टॉप लॉस के लिए तो बिल्कुल कभी भी नहीं जाएंगे, ट्रेड छोड़ देंगे, अवॉइड कर देंगे, ट्रेड को अवॉइड कर देना है, बट इतने बड़े स्टॉप लॉस के लिए नहीं जाना है। इस केस में अगर अपने पास स्विंग बहुत दूर है तो अपने को स्टॉप लॉस क्या करना है, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इससे पिछली वाली कैंडल के नीचे अपने को स्टॉप लॉस रख देना है। ठीक है, और टारगेट क्या होगा, टारगेट हमारे पास जो भी नेक्स्ट स्विंग होगा, देखो हम ये जो ट्रेंड लाइन हम जो ड्रॉ करते हैं, हम ये ट्रेंड लाइन स्विंग हाई को पकड़ के ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। जैसे ये हमको पहला स्विंग मिल गया, ये हमको दूसरा स्विंग मिल गया, और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमारे पास प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन हो गई। हमारा अगला टारगेट जो होगा ये प्रीवियस स्विंग होगा, पहला टारगेट, दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। ठीक है, दूसरा टारगेट कौन सा होगा, दूसरा टारगेट हमारा नेक्स्ट स्विंग होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल में। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम अपने को टारगेट को हमने देखना है, जो भी हमारे स्विंग होंगे, मान लो यहाँ पर चार या पाँच, यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्विंग है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 1 by 1 करके हमारे टारगेट जो है, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, इस तरीके से हमारे टारगेट हम अपने जो है अचीव कर लेते जाएंगे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल। देखो मैं एक एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर नहीं दे पाऊंगा। अब हम देखेंगे असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने ये देखा कि मार्केट ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में जा रही है। असेंडिंग ट्रायंगल आपको अप ट्रेंड में मिलता है, दैट इज द बेस्ट सिनेरियो, बहुत अच्छा सिनेरियो है।
ओके, दिस इज आवर असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, ये हमारा असेंडिंग हो जाएगा और इसका बिल्कुल सेम ऑपोजिट हमारा डिसेंडिंग हो जाता है। डिसेंडिंग बता देता हूँ, इस तरीके से ऊपर एक ट्रेंड लाइन आई होनी चाहिए, देखो इन सभी चीज में सिमिलर चीज क्या होती है कि इनमें जो है जो प्राइस जो स्टार्ट होगा वो प्राइस स्टार्ट होगा एक बड़ी रेंज के साथ और एंड तक आते आते यहाँ पर क्या है प्राइस रेंज बहुत छोटी हो जाएगी और फाइनली देखो जब ये रेंज बिल्कुल छोटे होने लग जाती है ना तो वहां से एक ब्रेकआउट बहुत जबरदस्त होता है। अगर ये रेंज छोटी नहीं हो रही है और बड़ी रेंज के साथ ही इसने ब्रेकआउट कर दिया है तो वहां पर जो है ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा वो बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। जैसे समझ लो कि यहीं पर ब्रेकआउट हो गया, ये वाली रेंज नहीं बनी, ये जो छोटी वाली रेंज है इस रेंज में हम नहीं आए और हमने यहीं से ब्रेकडाउन कर दिया तो ये मूव बहुत अच्छी नहीं होगी, ठीक है। जो मूव हमारे पास जो छोटी रेंज हमारे को हमको मूव दे देगी वो बड़ी रेंज हमको मूव नहीं दे पाएगी। दिस इज डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और अपने को ये मोस्टली फॉलो करना होता है कहाँ पर, डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड किसको कहते हैं हम, जो हमारा लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ये चीज हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा होता है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ठीक है ना। और इस तरीके में अपने को कहीं पर मिल जाए डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, समझ लो अपने को यहाँ पर कहीं मिल गया, ठीक है, और ये ब्रेक डाउन हुआ तो इस ब्रेक डाउन पे अपने को ट्रेड करना है, वही बताता हूँ मैं कहाँ पर कैसे करना है। देखो अब ये क्या है हमारे पास, हमारे पास जो ऊपर का लेवल है ना असेंडिंग ट्रायंगल में, असेंडिंग ट्रायंगल में ऊपर का लेवल हमारा सेम होता है, ये जो हम प्लीज म्यूट योर सेल्फ, म्यूट कर लो आप लोग प्लीज, ठीक है ना, सबको अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है अपने को जो असेंडिंग होगा, देखो मैं दोनों में ना एक बिल्कुल सिमिलर चीज बता देता हूँ, जो हमारा असेंडिंग पैटर्न होगा जिसको हमने अप ट्रेंड में देखना है वो हमारा जो ये लेवल होगा ऊपर वाला जो लेवल होगा वो लेवल सेम होगा, ठीक है, और ये वाला जो प्राइस है ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ होगा क्योंकि हम अप ट्रेंड में देख रहे हैं। डिसेंडिंग में क्या होगा, डिसेंडिंग में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट में हमारे पास यहाँ पर ऊपर वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट थी, मतलब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी और यहाँ पर डिसेंडिंग में हमारे पास जिसको हम डाउन ट्रेंड में देखने जा रहे हैं वो हमारे पास लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है ना। ये दोनों पैटर्न बिल्कुल सेम है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अब यहाँ पर अपने को ट्रेड कहाँ पर करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्विंग हमारे पास नीचे है तो ये असेंडिंग पैटर्न अपने को मिल गया। असेंडिंग पैटर्न में अपने को ये हमारे पास ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब देखो ब्रेकआउट का एक कंसेप्ट बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये भी शायद क्लियर कर यहाँ पर मैं बता पाऊँ कि ना बता पाऊँ, ठीक है। ये अब ब्रेकआउट हो गया, अब ब्रेकआउट में देखो यहाँ पर किस सिनेरियो में अपने को ट्रेड लेना है, यहाँ पर अपने को ट्रेड लेना है ऑलमोस्ट अब यहाँ पर हाई क्रॉस होने पर। इसके देखो 5 कंसेप्ट होते हैं ब्रेकआउट के, ठीक है ना, एक कंसेप्ट नहीं होता, इसके 5 कंसेप्ट होते हैं। ये 5 तरीके से बिहेव करता है जो भी ब्रेकआउट है। एक फेक ब्रेकआउट को अपने को कैसे पकड़ना होता है वो चीज़ चलो अलग है, अभी अपने को यहाँ पर ट्रेड करना है जब इसका हाई ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल देखो हम यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आए। अगर सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या होगा कि प्राइस नीचे की तरफ रीटेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद ये देखो मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में यही चीज़ बताया था कि ये हमारा हम एक लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमने ब्रेकआउट कर दिया तो ब्रेकआउट होने के बाद ये क्या होगा, अभी तक हमारा ये सपोर्ट काम कर रहा था, ठीक है। सपोर्ट क्या था, मतलब हम इस लेवल पर आते थे, इस लेवल पर आने के बाद बाउंस बैक कर जाते थे, ठीक है, मतलब इस एरिया से अपने को सपोर्ट मिल रहा था, ये हमारा सपोर्ट एरिया था। अब यही सपोर्ट ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनेगा और रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनेगा, सिंपल सा है, ब्रेकआउट के बाद। जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। अब सेम चीज़ यहाँ पर अपने को देखना है, अगर ये प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आता है तो ठीक है, अगर ये प्राइस नीचे की तरफ आता है तो ठीक है, तो हम यहाँ पर कहीं ट्रेड करने के लिए देखेंगे। बट अगर ये प्राइस नीचे की तरफ नहीं आता है और इसके हाई को क्रॉस करने लग गया, मतलब ये देखो कि ये वाली कैंडल ने, ये थर्ड कैंडल ने हाई को क्रॉस कर दिया, तो अपने को ये सिनेरियो मिला ही नहीं। ये होता है कि अपना ब्रेकआउट सिनेरियो 3 होता है, वो जो नीचे की तरफ प्राइस आता है,
ये बहुत बड़ा चैप्टर है जो ब्रेकआउट का है, ठीक है ना। ब्रेकआउट कंसेप्ट बहुत बड़ा है, आप लोगों को समझाने लग जाऊँ तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो ये हमारा अब क्या है कि देखो नीचे की तरफ हम नहीं आए, अगर हम नीचे की तरफ आते तो हम यहाँ पर ट्रेड लेते, ठीक है ना। क्यों यहाँ पर लेते, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा आ जाता। हमने स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, जैसे मैंने बताया कि ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल है। अब ब्रेकआउट कैंडल के पिछली कैंडल के नीचे, ठीक है, तो ब्रेकआउट कैंडल की पिछली कैंडल कौन सी है, ये ग्रीन कैंडल है, तो हम इसके नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे। देखो अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर हो और कोई ट्रेड आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो बहुत अच्छा ट्रेड आपको लग रहा है कि मतलब हाँ यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाएगा, उस केस में आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल के पहले जो कैंडल फॉर्म हुई है उसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब देखो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखने का अपने को बेनिफिट क्या होगा कि ये हमारा स्विंग भी है, ठीक है ना, ये हमारा स्विंग भी है, तो हम इस स्विंग को भी हम फॉलो कर रहे हैं और अपने जो है सेकंड क्राइटेरिया टू को भी फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है। ये दोनों चीज़ें फॉलो हो रही है हमारी, तो ये हमारा बिल्कुल सेफ स्टॉप लॉस है। अदरवाइज स्टॉप लॉस हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। अब टारगेट क्या है, टारगेट हमारा जो है कंटिन्यू, देखो मैं टारगेट बताता हूँ। देखो कई लोग क्या होता है ना, कई लोग बहुत जल्दी एंटर होते हैं और एंटर होने के बाद उनको क्या होता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है, थोड़ा सा प्रॉफिट मिलने के बाद तुरंत निकल जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताता हूँ, स्ट्रेटजी बताता हूँ, ठीक है ना, कि अपने को निकलना कब है, किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत जल्दी निकल जाते हो। और भी किसी के साथ, बाकी सब लोग होल्ड करते हो लंबा? अच्छा, बाकी सभी एक्सपर्ट हैं। कोई बात नहीं, फिर मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, ठीक है। आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको पर्सनली चीज बता दूंगा, क्योंकि सबको पता ही है यहाँ पर। चलो ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, यहाँ पर हमने कंटिन्यू अपना प्रॉफिट लेना है। आपको पता ही है प्रॉफिट कैसे लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर पैटर्न फिर कंटिन्यू करता हूँ। देखो ये जो असेंडिंग है ना, ये असेंडिंग अपने को डाउन ट्रेंड में भी दिखेगा, ठीक है ना। ये देखो मैं एक बार आप लोगों को चीजें और क्लियर कर दूं। ये जो पैटर्न है हमारा, ये अपने को देखो हम कहाँ देख रहे हैं, हम अप ट्रेंड में देख रहे हैं। देखो अपना क्या है ना, ऑड्स अपने बढ़ जाते हैं, मतलब अपने क्या कंफर्मेशन बढ़ जाती है। अगर असेंडिंग पैटर्न अप ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है तो हमारे ऑड्स बढ़ जाते हैं, हमारे जो है कंफर्मेशन बढ़ जाते हैं कि अप ट्रेंड में फॉर्म हुआ है। तो ये 99% ये ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट करेगा। बट अगर ये नीचे की तरफ भी ब्रेक डाउन कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि नहीं अगर ये अप ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट करेगा। ये नीचे की तरफ भी ब्रेक डाउन कर सकता है, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो फिर मैं बता देता हूँ कहाँ पर ट्रेड लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि अपने को प्रीवियस स्विंग अपने को नोट कर लेना है। मैंने पिछले सेशन में प्राइस एक्शन बताया था कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। देखो ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बिल्कुल जो हायर लो है, प्रीवियस हायर लो कौन सा है, हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये हमारे पास प्रीवियस हायर लो है, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये हमारे पास प्रीवियस हायर लो है। हम इस ट्रेंड लाइन को, हम इस पैटर्न को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो ट्रेड कैसे लेंगे, देखो वो चीज़ भी समझ लो। समझ लो यहाँ पर कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि अब इसने ब्रेक डाउन कर दिया तो जाते ही तुरंत ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पर एंट्री लेनी है, ठीक है। वेट करना है यहाँ पर, ठीक है। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि अगर आप पेशेंस रख रहे हो तो इजिली पैसे बना लोगे। अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे हो, आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, आपको बहुत चीज़ें आती हैं टेक्निकल में, आप तभी पैसे नहीं बना पाओगे, ठीक है। इसलिए पेशेंस रखना जरूरी है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या, हमने फाइंड आउट कर लिया है कि प्राइस एक्शन यहाँ पर कहाँ पे है। तो प्राइस एक्शन हमारा यहाँ पर प्रीवियस स्विंग यहाँ पर है। तो ये कैंडल का भी, सॉरी, ये अपना ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। ब्रेक डाउन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको तुरंत यहाँ पर घुस जाना है, हमको वेट करना है जब तक कि ये प्रीवियस लो ना ब्रेक हो जाए, ठीक है। अभी ये प्रीवियस लो यहाँ पर ब्रेक हो गया, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर एंट्री करनी है। एंट्री कहाँ पर करनी है, नेक्स्ट कैंडल जैसे यहाँ पर फॉर्म हुई और इसके लो को ब्रेक करने जा रही है। अब देखो स्लिपेज रखनी है कम से कम, अगर बैंक निफ्टी कर रहे हो तो 15 पॉइंट की स्लिपेज रखनी है,
निफ्टी कर रहे हो तो कम से कम 5 से 8 पॉइंट का, मीन्स इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर इन निफ्टी यू हैव टू ट्रेड विद स्लिपेज मिनिमम 5 to 8 पॉइंट्स और इन बैंक निफ्टी एटलीस्ट 10 to 15 पॉइंट्स। मतलब देखो स्लिपेज का मतलब आपको पता ही बता ही दिया मैंने, अगर नहीं पता चला फिर दोबारा पूछ लो अगर किसी को नहीं पता चला तो। चलो ठीक है, ये देखो जैसे कि समझ लो कि हमारे पास ये कैंडल फॉर्म हुई ठीक है ना, और हमारा हमने ये प्राइस एक्शन हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ था कि ये हमारा प्रीवियस स्विंग का जो लो है वो ये वाला एरिया है, मतलब हम यहाँ पर देख लेते हैं 35,075 का एरिया है ठीक है। कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया ठीक है, इस स्विंग लो को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ पे हमारा ब्रेक डाउन कन्फर्म हो गया कि प्राइस जो है अब नीचे की तरफ आएगा। तो अब हम इस कैंडल का लो देखेंगे, इस कैंडल का लो क्या है 35,020 मान लो ठीक है, 23 है 35,020 है समझ लो कि 35,020 है। अब जब ये नेक्स्ट कैंडल 35,015 आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाएगी ना, जैसे 35,020 है 35,010 35,008 35,007 35,005 जब आपको स्क्रीन पर ये दिखाई देगा ना कि हाँ 15 पॉइंट इस कैंडल से 15 पॉइंट नीचे आ चुका है प्राइस, तो हम वहाँ पर अपना माउस क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। समझ गए ना, होता क्या है ना कई बार प्राइस हल्का सा नीचे आकर के 2-4-5 पॉइंट नीचे आकर के प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, मतलब ये फेक ब्रेक डाउन होता है ठीक है ना। शॉर्ट करेंगे ना सर, शॉर्ट 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 100% शॉर्ट करेंगे। और दूसरी एक चीज और है, देखो अगर आप अप ट्रेंड में शॉर्ट करने जा रहे हो ना, तो अप ट्रेंड में अगर जब आप शॉर्ट करने जा रहे हो तो आपको टारगेट बहुत बड़ा नहीं रखना है। तो वही चीज तो कंफर्म करनी है ना, देखो मैं वही चीज तो बता रहा हूँ ना, वो सारी चीजें ब्रेकआउट कंसेप्ट में आती हैं। देखो मैं अभी बता देता हूँ कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ जो चीज आपने पूछी है वो बता रहा हूँ मैं। ये क्या होगा ना, प्राइस यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आएगा ठीक है, नीचे की तरफ आने के बाद ये क्या होगा तो शॉर्ट होकर ऊपर की तरफ चले जाता है ठीक है। यहाँ पर क्या रह जाती है, हम क्या करते हैं ना, हम इस कैंडल में एंट्री ले लेते हैं ठीक है। हाँ हमने यहाँ पर एंट्री ले ली और ये ऊपर की तरफ चले गया ठीक है। अब यही आपको समझना है ना कि मैं यहाँ पर कैसे ट्रेड करूं, आपको ये चीज जाननी है ना कि मतलब इस केस में मैं कैसे ट्रेड करूं ठीक है ना। इस केस में देखो बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपल क्या है कि पेशेंस, पेशेंस मतलब इस कैंडल को नीचे क्लोज होने देना है। जब तक कैंडल चल रही है समझ लो, अगर आप 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो 5 मिनट तक आपने उस कैंडल में एंट्री नहीं करनी है। जब ये कैंडल आपको क्लोज कर दे और दिखा दे प्रॉपर कि हाँ अब ये इस लेवल के नीचे क्लोज हो चुकी है, इसकी क्लोजिंग आ चुकी है। देखो स्टॉक मार्केट में क्लोजिंग सबसे मस्त होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग होती है ठीक है ना। ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हाई इंपॉर्टेंट नहीं है, लो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रख लो। तो अगर ये प्राइस नीचे की तरफ क्लोज हो गया तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। अगर ये प्राइस नीचे की तरफ आकर के, देखो यही होता है ना, रिटेलर्स क्यों ट्रैप होते हैं, इसलिए ट्रैप होते हैं कि अब ये कैंडल यहाँ पर चल रही है, उनके दिमाग में ये माइंडसेट, देखो स्टॉक मार्केट को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, रिटेलर्स का पैसा खाने के लिए डिजाइन किया हुआ है ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है, मैंने ये बहुत सारी बुक्स में पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको पता क्या है, आपको फोमो एक्टिव नहीं होना चाहिए कि नहीं यार कहीं ये ट्रेड ना छूट जाए। ये प्राइस क्या होगा, कई बार इस तरह से ऊपर की तरफ जाकर के कैंडल क्लोज कर देगा और नीचे की तरफ आपके पास क्या रह जाएगा, ये एक वीक रह जाएगी इस तरीके से ठीक है। अब आपने वेट किया ठीक है, आपने वेट किया और आपको क्या दिख गया यहाँ पर, एक बहुत जबरदस्त हैमर। देखो अगर नीचे वीक बहुत लंबी है ना, आप समझ लो कि अब ये ट्रेंड बहुत जबरदस्त चलने वाला है। मैं आपको यहाँ पर 2-4 एग्जांपल भी दिखा दूंगा। अगर इस तरह से कैंडल क्लोज हो गई है ना सपोर्ट एरिया पर पे आकर के, क्योंकि ये तो अभी हमारा सपोर्ट है ना, प्राइस यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेकआउट हुई है, बट यहाँ पर हम ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हैं, इसलिए ट्रेड नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट अब इसके 5-10 पॉइंट के बाद यहाँ पर सपोर्ट है, हम इसलिए ट्रेड नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ पर वेट करेंगे, कभी भी सपोर्ट ब्रेक होने पर या रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर वेट करना है ठीक है ना। इमीडिएट एंट्री नहीं लेनी है, जैसे कि ये वाली कैंडल देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है ये ब्रेकआउट कर रही थी, तो ब्रेकआउट करने के बाद अब इसको ब्रेकआउट करने देना है, जबरदस्ती नहीं करनी कि मैं तुरंत घुस जाता हूँ, मैं इसको ब्रेकआउट करने देना है। जब आपको दिख गया ना, देखो हमको ट्रेड क्या करना है, हमको जो चार्ट में दिखता है हमको वो चीज़ ट्रेड करनी है। कभी मार्केट से एक्सपेक्ट मत करो कि ये मार्केट में ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेक डाउन होने जा रहा है या फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने जा रही है, कभी एक्सपेक्ट मत करो, जो आपको चार्ट में दिख रहा है उसको ट्रेड करो ठीक है ना। दूसरा क्या है, आपको पेशेंस रखना है, बिल्कुल इस कैंडल को क्लोज होने का पेशेंस रखना है, आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए।
अगर आपके पास पेशेंस है तो फिर आप क्या करोगे, अब यहाँ से बाइंग का ट्रेड बनाओगे। आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप यहाँ पर कहीं एंटर करके अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस, अभी कैंडल क्लोज होगी, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, खत्म होगी कहानी आपकी। अब क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, ठीक है ना यार, मैं जहाँ से एंटर करता हूँ मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाती है, मैं जहाँ से एंटर करता हूँ मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो वेट करना है, ब्रेकआउट अगर कहीं ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, वहां पर अपने को वेट करना है कि कैंडल क्लोज हो। जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी ना, देखो अब यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई, तो अगर ये प्राइस अगर ये नीचे की तरफ अगर ये आता है, ठीक है ना, अगर ये नीचे की तरफ आता है तो हम यहाँ पर, अब यहाँ पर इस जो ये रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन जाएगा, और यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक अपने को बुलिश कैंडलस्टिक जब फॉर्म होती हुई दिखे तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर ये प्राइस नीचे की तरफ नहीं आया और ब्रेकआउट कैंडल का हाई इसने ब्रेक कर दिया तो अपने को यहाँ पर एंट्री ले लेनी है। एंट्री यहाँ पर लेके देखो, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा, मैं कैसे ट्रेड करूँगा, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा मैं यहाँ पर एंट्री ले लूँगा। स्टॉप लॉस मैं कहाँ रखूँगा, मैं स्टॉप लॉस यहाँ रखूँगा, और ये स्टॉप लॉस होगा मेरा क्लोजिंग बेसिस का। ये स्टॉप लॉस नहीं होगा कि मतलब यहाँ पर एक कैंडल इस तरीके से फॉर्म हुई, ये कैंडल, और ये कैंडल ने क्या किया, ये कैंडल ऐसे नीचे की तरफ आई, तो ये कैंडल जब नीचे की तरफ आ रही है तो मेरा स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है, मैं वेट करूंगा कैंडल क्लोज होने का। ये कैंडल ऐसे नीचे की तरफ आई और जाकर के इस तरीके से ऊपर जाकर क्लोज हो गई, ठीक है। नहीं, माइंड में तो रखना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट माइंड में रखना पड़ेगा, बट आपको बिल्कुल कंटिन्यू स्क्रीन के सामने बैठे रहना है। नहीं 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 नहीं, सिस्टम में लगा के नहीं रखना है स्टॉप लॉस, ठीक है ना। देखो आप अभी, मैं देखो अगर आप अभी बिगिनर हो तो फिर अभी मैं आपको आपको ये अभी एडवाइस नहीं दूंगा कि सिस्टम स्टॉप लॉस मत लगाओ, फिलहाल तो आप अभी सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, चीजें आपको सारी चीजें सीख जाओगे आ जाएंगी, तब जाके आप माइंड में स्टॉप लॉस कर सकते हो, ये प्रोफेशनल लेवल का काम है, ठीक है ना। अभी आप सिस्टम में ही स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है ना। आप कर क्या लो, देखो क्या हो रहा है ना, आजकल फ्री ट्रेड बहुत ज्यादा चल रहे हैं, अब करके लो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है ना, और कंटिन्यू स्क्रीन के सामने बैठो, और जब देखो कि हाँ प्राइस ने आकर के क्लोजिंग दे दी, यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, निकल जाओ, ठीक है ना। देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि मैं कई बार स्टॉप लॉस रखता हूँ निफ्टी में, एटलीस्ट मैं 4 से 5 पॉइंट कई बार स्टॉप लॉस रखता हूँ, बट कई बार क्या होता है मेरे को वो 17 पॉइंट या 18 पॉइंट देकर निकलना पड़ता है। मतलब जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो थोड़ा सा बड़ा होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप 70-80% टाइम्स आप स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाओगे, 70-80% टाइम्स आप बच जाओगे, ठीक है ना। लेकिन जब हिट होगा ना तो थोड़ा सा बड़ा हिट होगा, अगर आपने 5 पॉइंट का मान के रखा हुआ है तो एटलीस्ट मान के चलो कि 10-15 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको नहीं पता है ना कि हमने इस लेवल के नीचे, अब ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस है, इस लेवल के कितना नीचे जाके कैंडल क्लोज होगी, ठीक है ना। क्या पता यहीं पर बिल्कुल जस्ट इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे क्लोज हो जाए 2-3 पॉइंट पे, क्या पता यहाँ पर 20 पॉइंट और नीचे आके क्लोज हो जाए, ठीक है ना। तो रिस्की है थोड़ा, बट रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पर अगर ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो जा रही है ना, और अगली कैंडल इसका लो ब्रेक कर रही है, तो क्लियर कट चले जाओ यहाँ पर सेलिंग के लिए। टारगेट क्या होगा, टारगेट हमारा जो भी प्रीवियस स्विंग होगा लाइक दिस, ये हमारा टारगेट होगा। मतलब देखो अगर हम ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड करने जा रहे हैं तो अपने को टारगेट छोटा रखना है, क्वांटिटी छोटी रखनी है। या अगर जैसे कि समझ लो कि अगर आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, आप 30 मिनट का चार्ट लगा लो या 1 आवर का चार्ट लगा लो, इन दोनों चार्ट लगा करके उसमें 20 की मूविंग एवरेज लगा के उसमें देख लो कि प्राइस ऊपर की तरफ, एक मिनट, उसमें आपको हायर हाई हायर लो दिख रहा है या लोअर लो लोअर लो दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको हायर हाई हायर लो दिख रहा है कंटिन्यू, तो आपको क्लियर होगा कि हाँ ट्रेंड अब ट्रेंड है। बट उसमें आपको अगर सेलिंग का ट्रेड मिल रहा है तो अगर आप समझ लो कि 10 लॉट से ट्रेड करने जा रहे थे, अपनी क्वांटिटी कम कर लेनी है, क्योंकि हम ट्रेंड के ऑपोजिट जा रहे हैं। कन्फर्म है ट्रेड हमारा, ठीक है ना, कि ट्रेड 100% चलेगा, और आपको क्वांटिटी वहां पर कम कर लेनी है। 10 लॉट्स में लेने जा रहे थे, लॉट 5 कर लो, ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि हम ट्रेंड के ऑपोजिट जा रहे हैं। बट वही अगर हम ट्रेंड के साथ में है, जैसे हम यहाँ पर ब्रेकआउट में हमने ट्रेड लिया है, तो इसको हमने कंटिन्यू होल्ड करना है, ठीक है ना। फटाफट निकलना नहीं है, नहीं मेरा टारगेट है मैंने आज 10,000 रुपये कमाने हैं, 10,000 रुपये हो गया चलो बंद कर दो, नहीं। जिस दिन आपका लॉस होगा उस दिन भी तो देखना पड़ेगा ना किस तरीके से लॉस हो रहा है। तो जितना मार्केट देती है उतना लेना सीखो, ठीक है ना। सिंपल सा एक तरीका है कि अगर मान लो आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, ठीक है, और मार्केट कंटिन्यू आपकी डायरेक्शन में चलने लग गई, आपने 10 लॉट लिए हैं, आपने क्या करना है, 6 या 7 लॉट 60% क्वांटिटी या 70% क्वांटिटी, आपका जो टारगेट था, समझ लो कि आपका यहाँ पर कहीं ये टारगेट था,
ठीक है, इस टारगेट पे आपने 60% या 70% क्वांटिटी अपनी बुक कर लेनी है, और आपको दिख रहा है कि यार ये भी ब्रेकआउट हो गया, कोई बात नहीं होने दो, 60-70% क्वांटिटी आपने यहाँ बुक कर ली, आपने क्वांटिटी नहीं बुक की है, आपने अपना प्रॉफिट लॉक कर लिया है। अब प्रॉफिट लॉक कर लिया, अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ ऊपर से जाके नीचे की तरफ भी आ जाएगा ना, तो वो जो 30% का स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर रखा है वो बहुत माइनर सा उसमें से जाएगा। अगर आपने वही बुक नहीं किया होता तो क्या पता यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बने और आपका जो प्रॉफिट था वो सारा लॉस में आपको दिखाई देने लग जाता। इसलिए जो है 1:2, 1:3 जब भी आता है अपनी पहले 60-70% क्वांटिटी लॉक कर लो पहले, ठीक है ना, प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। चलो हम आगे चलते हैं और डिसेंडिंग देख लेते हैं। अच्छा सर, बिल्कुल जहां बिल्कुल कंफर्म अपने को वहीं ट्रेड करना है। अब ये दिख गया अपने को डाउन ट्रेंड, ठीक है ना, ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है। दिस वन हमने नीचे की तरफ इसको ड्रॉ कर दिया, ओके, ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को हमने ट्रेड कहां पर करना है, जब कैंडल प्रॉपर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे क्लोज हो जाए, ठीक है ना। क्लोजिंग कहां पर आ गई, अब मैं चार्ट को बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। ये हमारा लो लग गया और ये हमारी क्लोजिंग आ गई, ठीक है। अब जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा हमने यहां पर ट्रेड ले लेना है। मतलब देखो मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं कि इसका जो लो लगा हुआ है वो लो लगा हुआ है 34,608 का, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ 10-15 पॉइंट की स्लिपेज रखूंगा। अब जैसे ही 34,590-595 जैसे ही मेरे को स्क्रीन पर दिखेगा, मैंने अपना ऑर्डर लगा के रखा हुआ है, ठीक है ना, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ मैंने करके रखा हुआ है। अब जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो मैं अपना माउस क्लिक कर दूंगा और इस कैंडल में मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। स्टॉप लॉस मैं कहाँ पर रखूंगा, स्टॉप लॉस देखो मेरे पास यहाँ पर स्विंग है तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रखूंगा। आपने देखा होगा मैं बहुत छोटा स्टॉप लॉस फॉलो करता हूँ, मैं इसलिए छोटा स्टॉप लॉस फॉलो करता हूँ कि अगर प्राइस हिट भी हो गया ना तो कोई इशू नहीं है। अगर मान लो प्राइस यहाँ से रीटेस्ट करने भी चले गया ना तो मैं दोबारा एंट्री ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया है, मैंने इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दिया है। लोग क्या करते हैं ना 70-70, 80-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख कर लेते हैं, और एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया ना तो दोबारा उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि दोबारा ट्रेड में एंटर हो जाए, ठीक है ना। इसलिए स्टॉप लॉस छोटा रखना है बट जेन्युइन रखना है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि मतलब उस स्टॉप लॉस के पीछे आपका लॉजिक होना चाहिए, कोई विदाउट लॉजिक नहीं करना है। अगर ये मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रख रहा हूँ तो बिल्कुल यहाँ पर लॉजिक है कि मैं स्विंग हाई के ऊपर मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि अगर आप ये डाउन ट्रेंड में देख रहे हो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, तो इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा ना कि यहाँ से जब भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो वहाँ से आपको एक अच्छी मूव मिल जाएगी। अगर यही हम देखते अप ट्रेंड में तो यहाँ पर हमको ये वाली अच्छी मूव नहीं मिलती, ठीक है ना। वहाँ प्राइस बहुत धीरे धीरे मूव करता, टारगेट आपका जरूर मिलता जो आपने रखा हुआ है 1:1, 1:2, 1:3 जो भी रखा हुआ है टारगेट तो जरूर मिल जाता, बट वहाँ पर क्या बहुत धीरे धीरे मूव मिलता। अगर आप ऑप्शन बाइंग 1:2 ये होता है कि जैसे समझ लो कि आपने कोई भी ट्रेड करने के लिए आपने डिसाइड किया कि मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक है। तो आपको अगर 40 पॉइंट का अगर आपका प्रॉफिट है तो मतलब आपके स्टॉप लॉस के कितने गुना आप प्रॉफिट ले रहे हो। अगर आपने 20 पॉइंट स्टॉप लॉस रखा है और 40 पॉइंट प्रॉफिट ले रहे हो तो वो ये 1:2 हो गया। अगर आप 60 पॉइंट प्रॉफिट ले रहे हो तो ये 1:3 हो गया। ये रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है कि आपका रिस्क कितना है और आपका प्रॉफिट कितना है। अगर आपको मैंने समझ लो कि 100 पॉइंट आपने आपका टारगेट है, ठीक है, और स्टॉप लॉस आपका 20 पॉइंट्स है, तो वो क्या करोगे आप 100 को 20 से डिवाइड कर दो, 1:5 आ जाएगा, ठीक है। ये होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो, ठीक है। दिस इज सिमेट्रिकल सॉरी डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो जब ये पता क्या है, आप बिल्कुल ट्रेंड के साथ में जब चलोगे ना, जैसे समझ लो कि आप ट्रेंड चल रहा है और आप वहां पर असेंडिंग को ट्रेड करने जा रहे हो, वहां पे आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। और ये चीजें ऑप्शन बाइंग में बहुत जबरदस्त काम करती हैं, ठीक है ना, जो कि आप ट्रेंड भी फॉलो कर रहे हो और पैटर्न भी फॉलो कर रहे हो और कैंडलस्टिक भी फॉलो कर रहे हो, सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, ठीक है। एक आधा एग्जांपल और दिखाता हूँ, फिर आपको कुछ दूसरा पैटर्न बता देता हूँ मैं।
पैटर्न तो बहुत सारे बने हुए हैं, बट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वही चीज़ हम देखेंगे। देखो आप इतना एक्सपर्ट होना चाहिए ना, आपकी आंखें इतनी एक्सपर्ट होनी चाहिए कि आपको चार्ट देखते ही पता चल जाए कि मार्केट में क्या होने जा रहा है। ठीक है, ये प्राइस क्या है, ये प्राइस का लो लगा हुआ है और प्राइस यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो ट्रेडिंग हो रही है ये ट्रेडिंग इस प्राइस से ऊपर की तरफ है, मतलब क्या है, दिस इज द अप ट्रेंड। ठीक है, अब अप ट्रेंड में देखो आपको क्या मिला है, अप ट्रेंड में यहाँ पर अपने को ब्रेक डाउन मिला है। ठीक है ना, तो ऐसा कभी नहीं करना कि अगर असेंडिंग बन रहा है तो अप ट्रेंड में असेंडिंग बन रहा है तो हमको बाइंग के लिए ही जाना है। कई लोग क्या करते हैं ना, देखो बताता हूँ, उनको दिखाई दिया कि नहीं यार हमने सीखा है कि असेंडिंग ट्रायंगल जो है अगर अप ट्रेंड में बनता है तो वहाँ से बाइंग होती है। ठीक है, वो यहीं पर कहीं पर बाइंग का ट्रेड ले लेंगे, जो ये रेंज चल रही है ना वो यहीं पर बाइंग का ट्रेड ले लेंगे, और ऑलमोस्ट यहाँ कहीं जो यहाँ पर स्विंग लो लगा हुआ है इस स्विंग लो के नीचे यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस कर देंगे, रख देंगे और छोड़ देंगे ट्रेड को। वो क्या होता है कि ये देखो बिल्कुल रिवर्स होगा और प्राइस यहाँ से स्टॉप लॉस ले गया। तो आपको जो चार्ट में दिखाई दे रहा है उसको ट्रेड करना है, कभी भी ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे ट्रेड ले लिया और मार्केट से एक होप रखो, एक्सपेक्टेशन रखो कि नहीं यार मार्केट ब्रेकआउट कर देगी और मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता हूँ और मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाएगा। पता क्या होता है, हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में जो है ना, जो मिलने वाला होता है वो भी छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर समझ लो यहाँ पर आपका 10,000 पे लॉस हो गया, आपने ट्रेड ले लिया एक्सपेक्टेशन में, सिर्फ होप में कि मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, और यहाँ पर 10,000 लॉस हो गया। अब यहाँ पर सिनेरियो बन गया, ये कैंडल ने ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया, अब हमने एंट्री लेने का टाइम आया तो हमारा क्या है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है, आपको दिख भी रहा है चीज़ सही, आपको नॉलेज भी है, बट आप चीज़ गलत करने जा रहे हो। जब तक ब्रेकआउट कन्फर्म ना हो तब तक आपको विश्वास नहीं करना है कि ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है ना, ये हमारा फेक ब्रेक डाउन है। अब इसमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इसमें हमारा टारगेट ऑलमोस्ट जो भी प्रीवियस स्विंग है, दिस वन एंड दिस वन, ये तीन हमारे टारगेट होने चाहिए। ठीक है, तो मार्केट ने पहला और दूसरा ऑलमोस्ट टारगेट दिया, समझ गए ना मेरी बात। कभी भी होप नहीं रखना मार्केट से कि नहीं मार्केट ये चीज कर देगी, जब तक मार्केट वो करके ना दिखा दे तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी है। ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने अब देखो जो लोग निकलेंगे वो अपनी नॉलेज के हिसाब से निकलेंगे, जिसको जितनी नॉलेज होगी वो उस हिसाब से पैसे कमाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, हाँ अपोजिट साइड में ब्रेकडाउन भी है। देखो ये चीजें जब आप कम्प्लीटली टेक्निकल सीख जाओगे ना तब जाके ये चीजें सारी क्लियर होंगी, आपको कोई एक पैटर्न या एक कैंडल स्टिक सीख के ये चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना, इसके लिए आपको कम्प्लीटली टेक्निकल जब आप सीख जाएंगे ना तो आपको चीजें कम्प्लीटली पता चलेंगी कि मेरे को एग्जैक्ट एंट्री लेनी कहाँ पर है। ठीक है ना, एग्जैक्ट मुझे निकलना कहाँ पर है। ठीक है ना, ये सारी चीजें तब पता चलेंगी। देखो यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी भी नहीं। ठीक है ना, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि मार्केट ओपोजिट भी ब्रेक डाउन कर सकती है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे इस होप में कि मार्केट नहीं असेंडिंग बन रहा है तो ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट करेगी। ठीक है ना, ये होप कभी नहीं रखनी मार्केट से, जब तक आप गलती होती है। हाँ देखिए पता क्या है, अब यहाँ पर मैं अगर ट्रेड करूँगा तो मैं बहुत चीज़ें यहाँ पर नोटिस करूँगा, बहुत चीज़ें देखूँगा। जैसे कि देखिए, अब देखिए मैं जब भी ट्रेड करने जाता हूँ तो जितनी ज़्यादा कंफर्मेशन, मैं क्या है, मैं सेटअप के ऊपर ट्रेड करता हूँ कि अगर सेटअप बन रहा है तो मैं सेटअप को ट्रेड करूँगा। ठीक है ना, तो वहाँ पर अगर सेटअप बनता है तो मैं सेटअप को ट्रेडिंग करता हूँ, सेटअप नहीं बनता है तो मैं छोड़ देता हूँ ट्रेड को। अब मैं यहाँ पर देखिए अगर ट्रेड करने जा रहा हूँ, अगर मैं सेटअप को नहीं फॉलो कर रहा हूँ, सेटअप फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टेक्निकल को ही फॉलो करके मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखूंगा। मैं सबसे पहले तो देखूंगा कि मार्केट इस एरिया से रिवर्स हुई है एक बार। ठीक है,
तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि इस एरिया से भी रिवर्स हो सकती है, नंबर वन. नंबर टू, दिस इज आवर डबल टॉप पैटर्न. ठीक है, ये हमारा डबल टॉप पैटर्न है, और जब डबल टॉप पैटर्न बनता है तो मार्केट नीचे की तरफ आती है. ठीक है, नंबर थ्री, नंबर थ्री क्या है मेरे पास यहाँ पर, RSI डाइवर्जेंस है. ठीक है, प्राइस क्या है, प्राइस ऊपर बिल्कुल फ्लैट है, मतलब जो कि 35,390 इसका भी हाई है, 35,390 इसका भी हाई है, बट RSI मेरे को क्या दिखा रहा है, RSI मेरे को डाउन स्लोप दिखा रहा है, नीचे की तरफ दिखा रहा है. ठीक है, नंबर थ्री, अब मेरे पास यहाँ पर तीन कंटिन्यू यहाँ पर कन्फर्मेशन हो गई. ठीक है, चौथा कन्फर्मेशन मेरे को मिलेगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी, तो चार कन्फर्मेशन हो गए. पांचवा कन्फर्मेशन, अब ये ऊपर की तरफ क्या है, ये जाकर के रेंज बन रही है, ये देखिए. ठीक है, कभी भी सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर जाकर के रेंज बनने लग जाए ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रेंड रिवर्स हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर फाइव कन्फर्मेशन ये हो गया. नंबर सिक्स, अब यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन भी हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरे पास छः कन्फर्मेशन है, तो अगर मेरे को यहाँ पर 20 लॉट करना है तो मैं यहाँ पर 50 लॉट कर दूंगा. ठीक है, यहाँ पर मेरे को इस कैंडल ने कन्फर्मेशन दे दिया, और ये जो कैंडल है हमारी, ये कैंडल भी देखिए यहाँ पर शूटिंग स्टार कह दीजिए, एंगल्फिंग कह दीजिए, ये मेरे को ऊपर से कैंडल कन्फर्मेशन मिलने लग गई है. यहाँ पर अपने को एंगल्फिंग कैंडल मिल गई टॉप पर. ठीक है, एंगल्फिंग कैंडल के बाद एक कैंडल और अपने को बियरिश मिल गई, इस कैंडल ने कन्फर्म कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास 7 कन्फर्मेशन हो गए. अब देखिए कन्फर्मेशन आपको कैसे करना है, कन्फर्मेशन के लिए आपको कैंडल स्टिक की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंडिकेटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पैटर्न की भी नॉलेज होनी चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजीज का पता होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए. ये सारी चीज़ें जब आएंगी ना, तो सभी चीज़ों में से एक एक कन्फर्मेशन आपको लेना होगा. अब मेरे को यहाँ पर 7 कन्फर्मेशन मिल गई कि मार्केट क्लियर कट नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब ये कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होगा मैं यहाँ पर एंट्री कर लूँगा, ये वाली कैंडल का लो. ठीक है, अब ऑलमोस्ट मेरे को समझ लीजिए कि यहाँ कहीं एंट्री मिल गई विद स्लिपेज, मेरे को यहाँ पर कहीं एंट्री मिल गई है. ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर जो स्टॉप लॉस रखूँगा वो स्टॉप लॉस मैं इसके ऊपर रख दूँगा, यहाँ पर पिछले कैंडल के ऊपर रख दूँगा, या फिर यहाँ पर कोई ज़्यादा गैप नहीं है मैं हाई पे भी रख दूँगा. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे मेरे को मोर देन 1:5 का प्रॉफिट मिल गया. देखिए मैं मोस्टली जो है ना, मैं इसी तरह के ट्रेड ही करता हूँ, मैं ब्रेकआउट ट्रेड ही ज़्यादा करता हूँ, और मैं ट्रेड इस जगह पर करता हूँ कि जहाँ पर मैं एंटर हूँ प्राइस तुरंत इमीडिएट मेरे डायरेक्शन में ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, और मैं मोस्टली 10 से 15 मिनट में अपना टारगेट लेकर के निकल भी जाता हूँ. मैं बहुत ज़्यादा देर तक मार्केट में होल्ड नहीं रखता हूँ. जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर 50 लॉट मैंने ट्रेड किया है, तो मैं क्या करूँगा, इस लेवल पर आकर के ये जो पहली कैंडल यहाँ पर बन गई, इस कैंडल ने मेरे कोई रिवर्सल नहीं दिखाया, दूसरी कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल मेरे को रिवर्सल दिखा दिया. क्या रिवर्सल दिखा दिया, कि यहाँ पर ये कैंडल देखो ऊपर से नीचे की तरफ काफ़ी आई है, मतलब इसकी देखिए जो रेड कैंडल होती है उसकी ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है. ठीक है, जो ग्रीन कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग नीचे होती है और ओपनिंग ऊपर होती है. तो यहाँ पर क्या है, इसकी ओपनिंग ऊपर हुई, सेलर्स यहाँ पर एक्टिव थे, सेलर्स प्राइस को बहुत नीचे लेकर के आए, बट यहाँ पर क्या हुआ, अब इस कैंडल में भी कई लोग एंटर कर गए होंगे, इस कैंडल में कई लोग एंटर कर गए होंगे. ठीक है, और फाइनली क्या हुआ, यहाँ से बाइंग आ गई, बाइंग प्रेशर आ गया. ठीक है, अब इन सब का स्टॉप लॉस गया जो जो लोग इस कैंडल में एंटर किए होंगे. एक मिनट रुकिए, मैं जरा देखो ना, यहाँ पर आप जरा स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, बाकी जो लोग नहीं है उनको मैं एग्जिट कर दूंगा. नए लोगों को मौका दिया जाए ना जो सीखना चाहते हैं, जिन्होंने सिर्फ ऐसे ही भर रखा हुआ उनका क्या फायदा है. आप लोग जो जो भी हो ना आज जो प्रेजेंट हो, वो ग्रुप में ना अपना नाम लिख के प्रेजेंट लगा देना एक बार. ठीक है ना, और जो लोग नहीं है फिर मैं उनको यहाँ से एग्जिट कर दूंगा. चलिए अब हम पैटर्न को दूसरा देख लेते हैं. अब हम पैटर्न यहाँ पर देखेंगे, रेक्टेंगल पैटर्न. ठीक है, हमारा असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग हो गया और सिमेट्रिकल हो गया. देखिए ये हमने क्या है, हमने आधे घंटे में सारा कवर कर दिया, बट ये जो एक एक पैटर्न है ना, एक एक पैटर्न को सीखने के लिए कम से कम दो दो तीन तीन दिन लग जाते हैं. ठीक है ना, अब ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, मतलब जो हम क्लासेस में जो सिखाते हैं वो एक पैटर्न को दो से तीन दिन देते हैं. रेक्टेंगल पैटर्न क्या होता है,
रेक्टेंगल पैटर्न इस तरीके से होता है, ठीक है। अब रेक्टेंगल पैटर्न में प्राइस क्या करता है, प्राइस एक रेंज में ट्रेड करता है, जिसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है, उसको हम टेक्निकल की लैंग्वेज में कहते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। क्या हुआ, कौन है? सेटअप क्लासेस 12 बजे से स्टार्ट होंगी। किसका मैसेज है? किसका मैसेज है? मैसेज दिखाना पड़ेगा। नहीं, इनका बैच तो कल हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, डाल लेना कोई बात नहीं, तो बीसी में डाल लेना है। दो सेशन है अपना, 12 बजे से 2 बजे तक, आधे घंटे का लंच है, फिर 2:30 बजे से 5 बजे तक। टाइमिंग बता देना। हाँ जी, सेटअप के लिए आपको टेक्निकल बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए पहले। हाँ, पहले आप लोग आप टेक्निकल पे फोकस करिए। सेटअप क्लासेस क्या है, वो थोड़ी प्रोफेशनल क्लासेस है, ठीक है ना। आप देखिए, टेक्निकल अगर आप अच्छे से सीख लेंगे ना, तो आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, ये क्या है, ये एक प्राइस का रेंज है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए कि प्राइस यहाँ से एक रेंज में चल रहा है, प्राइस यहां से एक रेंज में चल रहा है, और यहां पर समझ लीजिए कोई ब्रेकआउट था, या फिर ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस कंटिन्यू ऊपर आया, या फिर सिंपल तरीके से आ गया, और ऊपर एक लेवल पे आने के बाद मतलब प्राइस पॉज हो गया मींस अब वो एक रेंज में ट्रेड करना उसने स्टार्ट कर दिया। इसकी रेंज जो अगर हम यहाँ पर देखें, तो नीचे जो है 36,680 की है, और ऊपर ऑलमोस्ट 36,680 क्या हो रहा है, समझ लीजिए कि आप 200 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, कि 200 पॉइंट्स की रेंज है। प्राइस जब भी अपर लेवल को टेस्ट कर रहा है तो लोअर लेवल पे आ जा रहा है, लोअर लेवल को टेस्ट कर रहा है तो अपर लेवल पे आ जा रहा है। अब देखिए, जो रेक्टेंगल पैटर्न होते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न भी 3 तरीके के होते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा एडवांस लेवल में आएगा, फिलहाल मैं आपको अभी ये मैं बेसिक बता दे रहा हूँ। 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके में क्या होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि प्राइस यहाँ से बीच में से रिवर्स हो जा रहा है, ये प्राइस यहाँ तक, तो मैं एक और ड्रॉ कर बताता हूँ आपको। प्राइस क्या होता है, यहाँ से निकलता है, और हम यहाँ इस सपोर्ट पे हमने एंट्री की, प्राइस यहाँ से निकलता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ से फिर अगेन ये नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है ना। हम सोचते हैं नहीं यार, हमको तो यहाँ पर रेक्टेंगल हमने सपोर्ट पे बाय किया है, तो हमारा टारगेट तो ये होना चाहिए, बिल्कुल अपर लाइन होना चाहिए, बट ये प्राइस तो यहीं से रिवर्स हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं रेक्टेंगल, उसमें 3 तरीके के पैटर्न होते हैं, वो थोड़ा एडवांस में आता है, ठीक है ना। वो भी अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल मैं अभी आप लोगों को ये मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, इसमें अपने को चाहिए क्या होता है ना, अगर प्राइस एक रेंज में ट्रेड करने लग जाए, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको ये जो पहले 2 हाई मिले हैं, फर्स्ट स्विंग हाई एंड सेकंड स्विंग हाई, इसको मिलाना है पहले अपने को। अपने को देखो, कोई भी पैटर्न ड्रॉ करने के लिए, चाहे हम वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर रहे हैं, हमको पहले 2 स्विंग हाई और 2 स्विंग लो से मतलब होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास ये तो ब्रेकआउट है, यहाँ पर स्विंग लो मिल गया और यहाँ पर भी स्विंग लो मिल गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्विंग हाई है, एक स्विंग हाई है, 2 स्विंग हाई मिल गए। अब हम इस 2 स्विंग हाई को एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। अभी ये वाली मार्केट चली नहीं है, ये जो हमने आगे जो ड्रॉ करके रखा हुआ है 3, 4, 5, 6, ये मार्केट अभी जो है आगे की तरफ चली नहीं है, मार्केट सिर्फ अभी इतनी चली हुई है। और हमने क्या किया है, हमने ये दोनों लेवल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी है, और इस लाइन को हमने आगे एक्सटेंड करके ऐसे रख दिया हुआ है, ठीक है। सेम तरीके से हमने यहाँ पर, अभी मार्केट आगे की तरफ चली नहीं है, और यहाँ पर अपने पास एक ये ब्रेकआउट है यहाँ पर, और दूसरा मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ रीटेस्ट इस लेवल के पास करने के लिए आई है,
एक बार और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होके सेम लेवल पर, मतलब हमको यहाँ पर भी दो तीन लेवल मिल गए, इसको भी हमने यहाँ पर दोनों लेवल को मिलाना है और इस लेवल को मिला करके ये जो लाइन है हमारे पास इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा कि जब भी मार्केट नेक्स्ट टाइम यहाँ से जब बाउंस बैक होगी, नेक्स्ट टाइम जब भी इस लेवल पर आएगी, तो अपने को क्या दिखेगा कि क्लियर कट मार्केट पहले भी इस लेवल से रिवर्स हुई है। हम क्या करेंगे, हम इस लेवल को फोकस करेंगे, ये वाले लेवल को, इस लेवल को फोकस करेंगे कि मार्केट क्या है कि पिछली बार भी इस लेवल से रिवर्स हुई है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। रेजिस्टेंस एरिया क्यों होगा, क्योंकि मार्केट इस लेवल से भी जस्ट कल रिवर्स हुई है, परसों भी इस लेवल से रिवर्स हुई है, देन मोस्ट प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट विल बी अगेन रिवर्स फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है, मार्केट अगेन इस लेवल से रिवर्स होगी। और देखिए मोस्टली क्या होता है ना कि कोई भी एक लेवल है तो एटलीस्ट 3 to 4 times काम करता ही करता है, वो अगर ब्रेकआउट भी देगा ना तो वो जाकर कहीं 5th time में या 6th time में ब्रेकआउट देगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कहीं ये 5 touches हो गए, अब ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो मे बी दिस इज मोस्ट प्रोबेबिलिटी दैट दिस टाइम दिस विल बी ब्रेक दिस लेवल, ठीक है ना, क्योंकि लेवल बार बार हिट हो रहा है। चलिए वो करूँगा बाद में, क्लियर करूँगा। अब देखिए यहाँ पर अपने को क्या करना है, यहाँ पर अपने को सेल का ट्रेड बनाना है। सेल का ट्रेड क्यों बनाना है, कौन कौन सी कंफर्मेशन है, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि एक चीज़ बिल्कुल याद रख लो कि कभी भी आप ट्रेड करने जाओ ना, किसी भी पैटर्न को ट्रेड करने जा रहे हो, चाहे वो बैंक निफ्टी करने जा रहे हो, चाहे निफ्टी करने जा रहे हो, चाहे आप इक्विटी करने जा रहे हो, कोई भी ट्रेड करने जा रहे हो, सबसे पहले कि देखो कि इस पैटर्न में, इस ट्रेड में कितने कन्फर्मेशन है मेरे पास, हाउ मच कन्फर्मेशन वी हैव फॉर ट्रेड दिस पर्टिकुलर इंडेक्स और इक्विटी, ठीक है ना। अगर आपके पास 3+ कन्फर्मेशन है तो आपको वो ट्रेड करना है, अगर आपके पास 3 कन्फर्मेशन नहीं है अवॉइड कर देना है ट्रेड को, बिल्कुल भी ट्रेड को नहीं करना है, छोड़ देना है। मैं जो ट्रेड करता हूँ वो एटलीस्ट 5+ कन्फर्मेशन को ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज सेटअप को ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अदर मैं टेक्निकल भी ट्रेड करता हूँ लेकिन बहुत कम करता हूँ, मोस्टली मैं सेटअप ट्रेडिंग में फॉलो करता हूँ। अब यहाँ देखो सेटअप ट्रेडिंग में क्या होता है, सेटअप ट्रेडिंग में है वहाँ पर जो एक सेटअप बनाया हुआ है उस सेटअप में 10 कन्फर्मेशन है, एक सेटअप बनाया हुआ है उसमें 12 कन्फर्मेशन है, एक सेटअप बनाया हुआ है उसमें 8 कन्फर्मेशन है, मतलब वो कन्फर्मेशनों से मिलकर के एक समझ लो पैटर्न बना हुआ है, वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सिंपल मार्केट पिछली बार भी यहाँ से रिवर्स हुई है और अगेन आज जो है इस लेवल पर खड़ी है, तो ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी। क्यों रिवर्स होगी, क्योंकि ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू हम क्या देखेंगे, अब नंबर टू यहाँ पर क्या हमारे को कोई पैटर्न भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यस वी आर लुकिंग हेयर ट्रिपल टॉप पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 1 top, 1st top, 2nd top एंड 3rd top, तो हमारे पास यहाँ पर 3 top हो गए, ये ट्रिपल टॉप पैटर्न हमारे पास हो गया। फर्स्ट क्या हो गया, रेजिस्टेंस एरिया हो गया हमारे पास, दूसरा क्या हो गया, ट्रिपल टॉप हो गया, तीसरा हो गया मार्केट पहले भी इस लेवल से रिवर्स हुई है, ठीक है। फोर्थ हम क्या देखेंगे, फोर्थ यहाँ पर अब कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होने जा रहे हैं। देखो आपका कोई भी ट्रेड करने जा रहे हो वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिक्स करनी पड़ती हैं, मिक्स क्या करनी पड़ती है, आपको वहाँ पर कैंडल स्टिक से भी कन्फर्मेशन लेनी होती है, आपको वहाँ पर चार्ट पैटर्न से भी कन्फर्मेशन लेनी होती है, आपको वहाँ पर इंडिकेटर से भी कन्फर्मेशन लेना होता है, मतलब हर चीज़ से आपको कन्फर्मेशन लेना है। जितनी चीज़ें आपको पता है, जितनी चीज़ें टेक्निकल में हैं, उन सभी चीज़ें से अगर आप एक एक कन्फर्मेशन भी निकाल लोगे ना, तो वैसे ही आपके पास 5-7 कन्फर्मेशन हो जाएंगी। अब इस एरिया से मार्केट अगेन रिवर्स होती है, ठीक है, इस यहाँ से रिवर्स होके अगेन कहाँ पर आई, उसी लेवल पर आई जहाँ से मार्केट लास्ट टाइम बाउंस बैक हुई थी। ऑलरेडी मार्केट इस एरिया से 2 बार बाउंस बैक हुई है, तो अब हम यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन ट्रिपल बॉटम पैटर्न हो गया, ठीक है, मार्केट पिछली बार इस लेवल से रिवर्स हुई है। अब हम यहाँ पर कैंडलस्टिक देखेंगे, यहाँ पर कोई हैमर कैंडल बन जाए, यहाँ पर कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाए, यहाँ पर कोई मॉर्निंग स्टार कैंडल बन जाए, यहाँ पर कोई बुलिश मारोबोजू कैंडल बन जाए, ठीक है, मतलब बुलिश कैंडल यहाँ पर जब अपने को कन्फर्मेशन मिलेगी तो हम यहाँ से बाइंग का ट्रेड बनाएंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत छोटा सा होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू 4 times और 5 times चलता है। मार्केट क्या है, मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही है, और देखो कई लोग क्या कहते हैं ना कि मतलब रेंज में हमारे स्टॉप लॉस बहुत हिट होते हैं या फिर रेंज में पैसे नहीं बनते हैं, आपको सही बताऊं तो रेंज में ही बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। जो पैसे आप अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में नहीं बना पाओगे ना, वो पैसे में आप, मेरे पास ऐसी ऐसी टेक्निक मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताई हुई है कि वो मोस्टली करते ही रेंज ट्रेडिंग है, दूसरी ट्रेडिंग करते ही नहीं है।
और आप कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स उठा लो, चाहे आप इक्विटी उठा लो, 60-70% टाइम, 50% टाइम्स मार्केट रेंज में ही रहती है। अगर आपने एक साल का डेटा उठा लिया, उस एक साल के डेटा में आप देखोगे कि 70-75% टाइम्स मार्केट रेंज में रहती है और 25% टाइम्स मार्केट ट्रेंडिंग होती है, ठीक है। हाँ, 25% टाइम्स देखो, रैली जो होगी ना वो एकदम से रैली होगी, रैली होने के बाद आप समझ लो उसके पास कोई रेजिस्टेंस एरिया आ गया, तो उस रेजिस्टेंस एरिया को निकालने के लिए उसको कम से कम 15-20 दिन वहाँ पर सस्टेन करना पड़ जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कोई चार्ट दिखाऊँ, जैसे हम कोई भी देख लेते हैं, बताइए आप कौन सा देखें। हम देख लेते हैं, मान लो एक्सिस बैंक देख लेते हैं, का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से इस लेवल से लेकर के 2020 से आज तक हम चार्ट उठा रहे हैं, अपने को क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग इतनी, ठीक है, अगेन यहाँ पर मार्केट रेंज में आ गई, यहाँ रेंज में आ गई, ठीक है। मार्केट अगेन यहाँ पर ट्रेंडिंग, यहाँ पर एक सेटअप भी बना हुआ बहुत जबरदस्त, ठीक है, अगेन मार्केट यहाँ पर रेंज में आ गई, ठीक है, और यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर रेंज में चल रहे हैं हम, ये भी रेंज है, यहाँ भी रेंज है, मतलब आप देख लो कि अगर हम यहाँ से हमने देखना स्टार्ट किया है तो मोर देन 75% टाइम्स आपको मार्केट रेंज में दिखेगी, ठीक है ना। और रेंज में ट्रेड करने के बड़े अच्छे अच्छे टेक्निक हैं कि जिससे कि मतलब आपको बिल्कुल श्योर शॉट, मतलब आपने एक बार ले लिया ट्रेड तो मतलब समझ लो आपके डायरेक्शन में ही जाना है उसने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो मार्केट एक लेवल को, एक हमको यहाँ पर लो मिल चुका है, एक हमको यहाँ पर हाई मिल चुका है, ठीक है। अब हाई और लो, ये दो लो अपने को मिल चुके हैं, प्राइस जब भी हाई के आसपास आएगा जाएगा या फिर लो के आसपास आएगा, मतलब एक रेंज में मार्केट एक घूमना स्टार्ट कर देगी एक ट्रेंड के बाद। अब यहाँ पर अपने को देखना होता है ब्रेकआउट कब हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन कब हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ब्रेकआउट होगा कि ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये एक रेंज बन रही है, देन इट्स मोस्ट प्रोबेबिलिटी दैट इट विल ब्रेक डाउन साइड, ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। और अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो दिस इज मोस्ट प्रोबेबिलिटी दैट इट विल ब्रेक अप साइड, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। तो ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, दिस इज सो कॉल्ड दैट वाई ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कि ट्रेंड आपका दोस्त है। ट्रेंड को फॉलो करो, आपको इजीली पैसे बनेंगे। देखो ट्रेंड को फॉलो करने पे हाँ हाँ, इसमें अब ट्रेंड है, इसमें अब ट्रेंड है, तो इसमें हम ऊपर की तरफ देखेंगे ना। देखो यहाँ पर क्या होगा ना, मैं एक चीज आप लोगों को और मैं बताता हूँ क्या हो गया, 11 बज गए, तो 2 मिनट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, अगर मान लो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, हम देखो हम कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में है, सबसे पहले इस चीज़ को हमने ध्यान में रखना है। प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर आकर के एक कैंडल फॉर्म हो रही है, इस तरीके से कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है। ध्यान रखना कि हम अप ट्रेंड में हैं और ये प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस प्राइस में आप क्या करेंगे ना, कई लोग यहाँ पर एंटर हो जाएंगे और यहाँ पर बिल्कुल वही सेम चीज़ होगी और ये क्या होगा, प्राइस इस तरीके से आकर के नीचे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा पीक इस तरीके से, ठीक है। और अब 100% क्या, मैं आपको बिल्कुल श्योर शॉट बता देता हूँ कि अब इस टाइम अब ब्रेक हो जाएगा ये लेवल। क्यों ब्रेक हो जाएगा लेवल, क्योंकि यहाँ पर बहुत नहीं हैमर बन गया, वो चीज़ तो अलग है, इसके पीछे का लॉजिक समझो, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो अपने को समझना जरूरी है। देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो बायर थे वो बायर कितने थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बायर थे, ठीक है। जो सेलर थे वो कितने थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलर थे, लेकिन अब जो बायर्स होंगे वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बायर्स होंगे, इट मींस बायर्स की क्वांटिटी बढ़ गई है, बायर्स अब यहाँ पर बढ़ गए हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता दूँ कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा। जब भी कभी आपको सपोर्ट पर इस तरीके की एक कैंडल मिल जाए ना, तो आप समझ लेना कि और ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक ना हो रहा हो, तो दिस टाइम अब ये ब्रेक होने का टाइम आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि यहाँ पर अब नए बायर सेंटर हो चुके हैं, ठीक
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या होगा, अब यहाँ पर जो लोग यहाँ पर घुसे होंगे कि नहीं नहीं नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो गया, सबसे पहले नीचे की तरफ तो देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में अपने को ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो हम छोड़ देंगे, ट्रेड ही छोड़ देंगे। अगर ये क्लोज भी कर देगा ना तो ट्रेड ही छोड़ देंगे, क्योंकि अपने को छोटा प्रॉफिट नहीं चाहिए, ठीक है ना, छोटा प्रॉफिट नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या होगा ना, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर भी देगा तो बहुत छोटी छोटी कैंडल से चलेगा, दो तीन कैंडलों के बाद अगेन फिर मार्केट उसी रेंज में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो रहा है, बहुत लोग इसी में ऐसे घुस जाते हैं कि नहीं यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया, कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना है किसी ने, ठीक है ना, पेशेंस कोई नहीं रखना चाहता है। यहाँ पर एंटर हो जाएंगे, नीचे की तरफ हायर प्राइस, और यहाँ पर उनको कुछ प्रॉफिट भी दिखा रहा है, बट वो क्या करते हैं ना, यहाँ से जो बायर्स आते हैं ना वो इमीडिएटली आते हैं, बिल्कुल शूम करके आएंगे, बहुत तेजी से ये बायर आएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब अपना प्रॉफिट बुक करूँ, आपको निकलने का टाइम भी नहीं मिलेगा बिल्कुल, ठीक है ना। बहुत तेज़ी से ये चीज़ रिवर्स होती है जब ये रिवर्स होती है, और यहाँ पर जो अगली कैंडल बनेगी ना, ये अगली कैंडल इस तरीके से बनेगी, ये कैंडल बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है, और मे भी यहाँ पर ऊपर आकर के इस तरीके से डोजी बने। देखो इतना एक्सपीरियंस हो गया ना मार्केट को देखते देखते कि चीज़ें पता चल जाती हैं कि मतलब यहाँ पर कैंडल भी कौन सी फॉर्म होने वाली है, और फाइनली यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट अपने को देखने को मिलेगा। अब ये हमारा ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ पर हमारा ये रेंज ब्रेकआउट हो चुका है। चलिए ठीक है, ओके, मेरा जो है ना नेक्स्ट सेटअप क्लासेस का टाइम हो गया है। सॉरी, वो पेड है, वो फ्री क्लासेस नहीं है। Thank you.